बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल डूइंग गुड। जी तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बल्कि चैप्टर तो हमारा स्टार्ट है ऑलरेडी, इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइडलाइंस प्रोवाइड करना चाहूँगी डेंगू कंट्रोल के हवाले से। आप सबको ये मालूम है कि डेंगू जो है एक बीमारी है बहुत ज़्यादा, जो कि ख़तरनाक भी साबित हो सकती है, और वबाई बीमारी है जो कि मच्छरों के ज़रिए फैलती है। और इसका खात्मा जो है वो दो ही चीज़ों से मुमकिन है, आप या तो मच्छरों के काटने से खुद को बचाइए या फिर मच्छरों के पैदा होने की जगहों का खात्मा कर दीजिए। तो अगर हम मच्छरों के पैदा होने की जगह को ख़त्म कर दें तो हम मच्छरों की जो आबादी है, जो नस्ल है, उसको रोकने से उसको बढ़ने से रोक सकते हैं, और इसके नतीजे में मच्छरों की आबादी कम होगी और वो फैलाव का बायस, डेंगू के फैलाव का बायस नहीं बनेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या कर सकते हैं। आपको पता है कि ये जो मौसम है ये मच्छरों की ग्रोथ का फेवरेट मौसम है। ज़रा सा पानी कहीं पर, इवन आपके पास एक टीस्पून, एक चाय की चम्मच या तीन चार कतरे पानी भी कहीं जमा हो जाए तो वहाँ पर भी मच्छर अंडे देता है। इसका जो फेवरेट ब्रीडिंग प्लेस है वो साफ़ पानी होता है, ठीक है। अब साफ़ पानी जैसे हम घर में भी, कूड़ादान या हमारे छतों के ऊपर कहीं पे, या स्टोर रूम में कहीं पर भी हो सकता है, कोई ऐसा प्याला, कोई प्लेट पड़ी हुई हो जिसमें पानी थोड़ा सा रह जाए, या छतों के ऊपर कोई ऐसी जगह बनी हुई हो जहाँ बारिश का पानी खड़ा हो रहा हो, क्योंकि हम मोर ऑफन गर्मियाँ हैं, हम कौन छतों पर जाते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा ज़रूर अपने घर में राउंड ले लें, अपने छतों की राउंड ले लें, वहाँ पे देख लें कि जो आपका निकासी का निज़ाम है वो ठीक है, पानी सही से बह के जा सकता है कि नहीं, वहाँ कोई खड्डे या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा बर्तन, कोई ऐसा कप वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ जिसमें पानी इकट्ठा हो जाए। इवन आप लोगों के जो दरख्त हैं, दरख्तों के अंदर भी सम टाइम पानी इकट्ठा होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो भी आप देख लें, वहाँ पर रेत वगैरह डाल दें, चूना वगैरह डाल दें। और आप अपने जो घरों की टैंकी है या जो ड्रम्स हैं या जो बर्तन बाल्टियाँ वगैरह हैं उनके अंदर भी जो पानी है उसको ढक कर रखें, कोशिश करें कि पानी उसको उलट के रखें, साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। लेकिन अगर जाहिर सी बात है टैंकी और बाल्टी में पानी अक्सर रखना पड़ता है तो उसको ढक कर रखें और ज़्यादा अर्से तक स्टोर ना करें, उसको इस्तेमाल करते रहें। और इसके अलावा आपके पास जो पानी जहाँ पे जम जाता है, अक्सर आपने देखा होगा पानी साइड्स पे जम जाता है और किनारों के ऊपर, वहाँ पे एक्चुअली अगर माइक्रोस्कोप से या हैंड लेंस से आप देखें तो वहाँ छोटे छोटे एग्स होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते। तो इस वजह से जब भी पानी का ये बर्तन वगैरह, उसको अच्छे तरीके से तार से मांझ लेना चाहिए जहाँ पे किनारों पे, जिसमें काफ़ी अर्से पानी जिस बर्तन में खड़ा रहता हो, थोड़े थोड़े अर्से के बाद, एक दो दिन के बाद उस किनारों से उसको रगड़ के साफ़ कर देना चाहिए। और इसके अलावा हम कैसे बच सकते हैं मच्छरों से, हम खुद कैसे बच सकते हैं, खुद हम ऐसे बच सकते हैं बेटे, आप आजकल गर्मी है, अक्सर हम घरों से बाहर भी सोना प्रेफर करते हैं, छतों पे सोना प्रेफर करते हैं, तो आप हमेशा मच्छरदानी इस्तेमाल करके सोएं, ठीक है। घरों में भी, कमरों में भी अगर सो रहे हैं तो आप मच्छर मार स्प्रे का इस्तेमाल ज़रूर करें, कॉइल्स मिलती हैं मच्छरों को भगाने के लिए, मैट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, फुल स्लीव्स बाजू पहने, ठीक है। वैसे भी कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो कोविड-19 से भी अपने आप को बचाना है, और ये जो डेंगू का अजाब हम पे मुसल्लत है इससे भी अपने आप को बचाना है, ये ना हो यकनशु दोषुद हो जाए। तो ये बेटे आप लोगों ने ये अवेयरनेस अपने घर वालों तक भी ज़रूर पहुँचानी है। थैंक यू फॉर योर टाइम। अब हम चलते हैं जी अपने चैप्टर की तरफ, जो कि हम ने स्टार्ट किया, कल हम लोगों ने पढ़ा था क्वाडेटा, ठीक है। जो सामने आपको सेमेंडर दिखाई दे रहा है, बड़ा क्यूट सा ब्लैक कलर का, वाइट येलो येलो सॉरी डॉट्स हैं इसके ऊपर, और नीचे आप देख सकते हैं जिम्नोफायाना जो सिलियंस हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको एन्यूरा जो अमेरिकन टोड है, बुहू अमेरिकनस, वो दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं इसकी गंदी सी थोड़ी सी स्किन लगती है, तो वो टोड लाइक अपीयरेंस है, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको ऊपर फिगर देख रहे हैं इसके एग्स का, ये इकट्ठा क्लस्टर की फॉर्म में एग्स हैं, ए फिगर में और बी में लार्वी जो है हैच आउट हुआ हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी लंबी सी टेल है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा बेसिक जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है बेटे, वो हम पढ़ेंगे एवोल्यूशनरी प्रेशर्स के हवाले से, और एवोल्यूशनरी प्रेशर्स में हम जो पहली चीज़ पढ़ेंगे दैट इज़ सपोर्ट एंड मूवमेंट। जी तो बेटे एवोल्यूशनरी प्रेशर्स के हवाले से अगर देखा जाए तो आपके पास, चूँकि ये ड्वेल लाइफ गुजारते हैं, यानी कि वाटर के अंदर भी होते हैं, लैंड के अंदर भी, तो इनकी बॉडी को दोनों तरह के प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है। तो इनके अंदर दोनों तरह के आपके पास, दोनों लाइफ के अकॉर्डिंगली इनकी बॉडी के अंदर अडेप्टेशन होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन, कि इसका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर कैसा है और इसकी लोकोमोशन कैसी है। इसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर को देख लेते हैं जी। आपके पास इसकी जो स्किन होती है वो प्रोटेक्ट करती है इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, अल्ट्रा वायलेट रे से बचाती है, डेसिकेशन ड्राई होने से बचाती है, और मैकेनिकल इंजरी वगैरह से बचाती है।
इसके अलावा आपके पास इसकी जो स्किन है वो और भी काम परफॉर्म करती है, लाइक गैस एक्सचेंज भी स्किन से होती है, टेम्परेचर रेगुलेशन भी, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर भी। एम्फीबियन की स्किन जो है बेटे उसके अंदर स्केल्स, फेदर्स और हेयर्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, मोस्टली ये ग्लैंडुलर होती है, बहुत ज़्यादा इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और इसकी सिक्रीशन जो है ना इसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है और इसके अलावा इसको मॉइस्ट रखती है और इसको ड्राई होने से बचाती है। इसके अलावा जी इसके अंदर सिर्फ आपके पास ग्लैंडुलर सिक्रीशंस के अंदर बहुत सी किस्म की सिक्रीशंस हैं, लाइक स्टिकी सिक्रीशंस हैं और टॉक्सिक केमिकल्स की। स्टिकी सिक्रीशंस तो मेल फ्रॉग को हेल्प करती है या मेल आपके पास एम्फीबिया को, एम्फीबियन मेंबर को हेल्प करती है फीमेल के ऊपर मेट करने के लिए, मतलब क्लिंग करने के, चिपकने के लिए, ठीक है, स्टिक कर जाता है वो ड्यूरिंग मेटिंग। और इसके अलावा ये बहुत सारे टॉक्सिक जो केमिकल्स हैं वो भी प्रोड्यूस करती है जिससे ये प्रेडेटर्स इससे दूर भाग सकें और डिस्करेज करती है प्रेडेटर्स को। इसके अलावा इसकी स्किन को अगर देखा जाए जनरली स्मूथ होती है, लेकिन कुछ जैसे कि आपने टोड में देखा है वहाँ पे आपके पास एपिडर्मल थिकनिंग की वजह से वॉट्स, क्लॉज और सैंड पेपरी टेक्सचर भी प्रेजेंट हो सकता है अगर आप, और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द केराटिन डिपॉजिट्स। अच्छा, अब देख लेते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि एपिडर्मल से प्रेजेंट होते हैं और ये स्किन की कलर की वजह बनते हैं और स्किन की कलर को चेंज करने की वजह भी बनते हैं। फ्रॉग्स के अंदर बहुत सी किस्म की आपको कलरेशन नज़र आएगी जो कि मैंने आपको थर्ड ईयर में पढ़ाई भी थी। क्रिप्टिक कलरेशन होती है, एपोसोमेटिक कलरेशन होती है एंड मिमिक्री वगैरह, ये तमाम एम्फीबियंस में, फ्रॉग में तो मैं जनरली बात कर रही हूँ, तमाम एम्फीबियंस में तकरीबन आपको ये कॉमन मिलती है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते, दैट इज सपोर्ट एंड मूवमेंट। जी तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जी कि दो तरह के एनवायरनमेंट में चूंकि ये लाइफ गुजारते हैं तो पानी की खसूसियात क्या होती है कि वो बायंसी देता है और सपोर्ट करता है एनिमल की बॉडी को। तो जो फिशेस का जो स्केलेटन हमारे पास होता है उसका बेसिकली काम होता है कि प्रोटेक्ट करें इंटरनल ऑर्गन्स को और मसल के अटैचमेंट के लिए पॉइंट्स प्रोवाइड करें और साथ में बॉडी को मूवमेंट के दौरान कोलैप्स होने से बचाए। तो बेसिकली इसके ये तीन पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में या लैंड के एनवायरनमेंट के ऊपर देखें तो वहाँ क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के अंदर आपके पास स्केलेटन ऐसे मॉडिफाई होना चाहिए कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है ना आपके पास कशे शक्ल के अगेंस्ट है ना उसको खड़ा रख सके, सपोर्ट दे सके, नंबर वन। नंबर टू जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पानी में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी भी मूव करना है और स्विफ्टली भी मूव करना है तो उसके लिए ज़्यादा इसको एनर्जी चाहिए, तो उसके मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अगर वीक स्केलेटन होगा तो वो जैसे ही मसल मूव करेंगे तो स्केलेटन तो ब्रेक हो जाएगा, सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकेगा। तो सेकंड काम क्या है इसकी, स्ट्रांग इनफ आपके पास स्केलेटन होना चाहिए कि वो सपोर्ट कर सके पावरफुल मसल्स को, ठीक है, ताकि वो लैंड के ऊपर रह सके। अब यहाँ पे डिफरेंट मॉडिफिकेशन हैं जो हम देखेंगे, जैसे कि एम्फीबियन के स्कल के अंदर मॉडिफिकेशन क्या है, ये फ्लैटनड हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है और कम इसके अंदर बोन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत लाइट वेट हो जाता है और ईजिली सपोर्ट कर सकता है एनिमल इसको पानी से बाहर। और यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके पास वो ये है कि यहाँ पे आपको नेक भी मिलेगी, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या है जी, चेंजेस जो है ना जॉ स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंजेस आएंगे और उसके जो मस्कुलेचर है वो बिल्कुल अलाउ करेगा इसको कि वो क्रश करे अपने प्रे को माउथ के अंदर। फिर क्या है जी, आपके पास वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बिल्कुल मॉडिफाई है एम्फीबियंस के अंदर, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है लैंड के ऊपर और बिल्कुल एक पुल का काम करता है जो कि इंटीरियर पोस्टीरियर, जैसे इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड के दरमियान में आपको रीढ़ की हड्डी एक पुल का काम देगी और वहाँ पर क्या होगा, ये बॉडी को सपोर्ट करेगी, वजन को सराहेगी, मतलब सपोर्ट करेगी, सहारेगी। और इसके अलावा इस अब ज़ाहिर है वजन जब उठाएगी तो उसके बेंड होने के, उसके मुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा, ट्विस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो उसको रोकने के लिए अल्लाह ताला ने इसकी जो वर्टिब्राज हैं उसके अंदर प्रोसेसेस डाल दिए हैं, साइड से लंबी लंबी शाखें निकल रही हैं प्रोसेस, जिनको हम ज़ाइगोफाइसिस कहते हैं, जो कि इसको बेंड होने से, ट्विस्ट होने से रीढ़ की हड्डी को बचाती हैं। और जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जितने भी फिशेज हैं उनके अंदर नेक नहीं होती लेकिन एम्फीबियंस के अंदर नेक है, तो राइज ऑफ द नेक आप यहाँ पे कह सकते हैं। देन अब इसका फर्स्ट वर्टिब्रा सर्वाइकल वर्टिब्रा है जो कि मूव करता है अगेंस्ट द बैक ऑफ द स्कल एंड अलाउ करता है हेड को कि वो नॉट कर सके वर्टिकली। और इसके अलावा इसका जो लास्ट ट्रंक वर्टिब्री है वो सैक्रल वर्टिब्री कहलाता है और जो वर्टिब्री एंकर करते हैं आपके पास पेल्विक गर्डल को, तो वो आपके पास सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि इंक्रीज सपोर्ट हो जाए। अच्छा, इसके बाद क्या है, वेंट्रल प्लेट जो है आपके पास बोन की जो वेंट्रल साइड में मौजूद होती है उसको हम स्टर्नम कहते हैं, और जो कि आपके पास इंटीरियर जो फ्रंट का सामने वाला जो ट्रंक होता है वहाँ पे होल्ड करती है, सपोर्ट करती है और फोर लिम्स को अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करती है और साथ में प्रोटेक्ट करती है इंटरनल ऑर्गन्स को।
और एन्यूरा के अंदर ये काफ़ी रिड्यूस फॉर्म में मौजूद होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि बोन्स जो है ना आपके पास वो कैसे ओरिजिन हुई थी। तो ओरिजिन ऑफ द बोन्स जो है ना वर्टीब्रेट अपेंडिजेस की, वो अभी तक प्रिसाइसली उसके बारे में सही नहीं पता, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ जो स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स की आपको मिलता है एम्फीबियंस के अपेंडिजेस में एंड कुछ आपके बोन्स ऑफ द फिन्स यानी फिशेस के अंदर, उसकी बेस के अंदर हम कुछ ना कुछ इसके बारे में, इसकी ओरिजिन के बारे में कह सकते हैं जी। तो बेटे यहाँ पे इस फिगर के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इस फिगर के अंदर आपको दिख रहा है ए जो है फिगर, इसके अंदर आपको एक फिन दिख रहा है, ठीक है, ये आपके पास। और यहाँ पे आपको बी फिगर में क्या दिख रहा है, लिम्स ऑफ दी टेट्रापोड। तो दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो ये सजेस्ट करती हैं कि इनका एवोल्यूशन एक सार्कोप्टेरिजिन जो फिश है उसी से हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको इसकी सिमिलैरिटीज़ दिखा देती हूँ जी। तो यहाँ पे बेटे आप देख सकते हैं ये आपको फीमर दिख रही है, ठीक है, इसके अंदर भी ये फीमर मौजूद है, ठीक है, ये लिंक कर रही है ना, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है और यहाँ पे थोड़ी सी छोटी है। फिर यहाँ पे आपको देखें टीबिया दिख रही है, यहाँ पे भी टीबिया आपको उसी साइड पे दिख रही है, यहाँ पे थोड़ी सी वेल डेवलप है, यहाँ पे ज़रा कम वेल डेवलप है, ठीक है जी, ये कनेक्शन हो गया इनका। अच्छा फिर फिबिला पे आ जाएं, फिबिला भी आप देख रहे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, ठीक है। और फिर हम फिबुलरी पे आ जाते हैं, फिबुलरी जो है यहाँ पे आपके पास कम डिवेलप है, यहाँ पे इतनी डिवेलप नहीं है और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी डिवेलप हुई भी मिलती है, वो जाहिर सी बात है लैंड के ऊपर से मूव करना है तो वो वेल डिवेलप ही होगी। अच्छा जी अब हम आगे देख लेते हैं कि जॉइंट्स एट द शोल्डर हिप एल्बो नी रिस्ट, अब जॉइंट्स का यहाँ पर जिक्र आ जाता है, ठीक है, जॉइंट्स एट द शोल्डर हिप एल्बो नी रिस्ट एंड एंकल अलाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड बेटर कॉन्टैक्ट विद द सबस्ट्रेट, यानी कि जॉइंट्स की वजह से ये ईजीली मूव कर सकता है, हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अच्छा इसका जो पेल्विक गर्डल है एम्फीबियंस का, वो आपके पास बेसिकली थ्री बोन्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है जी, या पढ़ते आए हैं इलियम ईस्टियम एंड प्यूबिस, ठीक है जी। और ये फॉर्म आपके पास अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है, फॉर्म पेल्विक गर्डल प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से आपके पास जो अपेंडेजेज हम अच्छे से साथ अटैच हो जाते हैं और वर्टीब्रल कॉलम भी इसके साथ अटैच हो जाता है। इसके अलावा ये जो बोन्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं तमाम टेट्रापोड्स में लेकिन फिशेज में नहीं होती, ठीक है, और क्योंकि ये बोन्स जितनी भी हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये वाली बोन्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं फॉर लैंड, फिशेज में ये बोन एब्सेंट होती हैं। तो फिशेज में नेक एब्सेंट होती है और फिशेज में ये तीनों बोन्स एब्सेंट होती हैं क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी जो है ना आपके हाइंड लिम्स को सपोर्ट देती हैं, आपकी बॉडी को सपोर्ट देती हैं और अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करती हैं फॉर द वर्टीब्रल कॉलम जो कि आपके वजन को उठाए हुए होता है, आपके नहीं यानी कि एम्फीबियंस के वजन को उठाए हुए होता है। अच्छा जी नेक्स्ट जो है आगे देखते हैं। अच्छा जी तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके पास जो टेट्रापोड्स होते हैं उनके अंदर जो बॉडी वॉल होती है उनकी वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती क्योंकि फिशेस के अंदर हमें पता है कि वो बॉडी वॉल की मदद से तैरा करती थी, लेकिन यहाँ पर चूंकि उन्होंने ग्रेविटी के अगेंस्ट सपोर्ट लेनी है तो उनके जो अपेंडेजेस होंगे उनके जो मसल्स होंगे वो ज़्यादा वेल डेवलप होंगे, तो इसका जो बॉडी मस्कुलेचर होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है क्योंकि ये ज़्यादा अपेंडेजेस पर डिपेंड करता है ना, तो अपेंडेजेस के मसल ज़्यादा वेल डेवलप होंगे, बॉडी से चूंकि मूव नहीं करता तो बॉडी के मसल इतने वेल डेवलप नहीं होंगे, तो आपके पास बॉडी वॉल मस्कुलेचर रिड्यूस होगा और आपके पास अपेंडिकुलर मस्कुलेचर यानी अपेंडिकुलर यानी कि जो भी आपके अपेंडिजेस हैं उनके साथ जो मसल्स अटैच हैं वो ज़्यादा प्रीडोमिनेट करेंगे, ठीक है। और एग्जांपल में आप फिश खाते हुए देख सकते हैं और जो लोग फ्रॉग खाते हैं तो उनके मसल्स भी देख सकते हैं। एनीवेज नेक्स्ट अब आगे आपको बेटे तीनों ऑर्डर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव मेम्बर्स हैं उनके अंदर लोकोमोशन की थोड़ी सी एग्जाम्पल दी जाएगी, जिससे आप सेमेंटर के अंदर देख लें कि इसके अंदर अनस्पेशलाइज लोकोमोशन होती है जो कि बिल्कुल ही बकाया जात हैं फिश के, जैसे फिश आपके पास अनड्यूलेटिंग मूवमेंट शो करती थी बिल्कुल ऐसे ही सेलेमेंडर भी वैसे शो करता है। टेरेस्ट्रियल सेलेमेंडर जो है वो ऐसे ही मूव करते हैं कि आपके पास जो उनकी जो बॉडी का पैटर्न होता है बॉडी की मूवमेंट होती है वो अल्टरनेट मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं अपेंडिजेस की, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है और उनकी जो बॉडी है वो थ्रो आगे की तरफ जाती है कर्वेचर में, ठीक है, और जो लिम्स है वो उसको एडवांस करने में हेल्प करती है, एडवांसमेंट ऑफ द स्ट्राइड करने में हेल्प करती है, ठीक है, मतलब जो उसकी जो लिम्ब है वो उसको आगे बढ़ने में बॉडी को मदद देती है, ठीक है। तो ये तो आपके पास मूवमेंट हो गई इसके अंदर सेलेमेंडर्स में। नेक्स्ट आपके पास जो है बेटे आपके पास सिसिलियंस हैं अकॉर्डियन लाइक कीड़ों की तरह की बॉडी भी है तो वैसे मूवमेंट भी होगी जो कि आपके पास फॉरवर्ड पुश भी करते हैं, ठीक है, उसके बॉडी पार्ट्स पुश भी करते हैं और आगे भी पुल भी करते हैं फॉरवर्ड।
अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास एन्यूरन्स हैं उसके जो हाइंड लिम्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, पेल्विक गर्डल भी बहुत स्ट्रांग होता है जो कि इसको हेल्प करता है इन जंपिंग। अब वो जंपिंग में कैसे हेल्प करता है, यहाँ पे आप जरा गौर से देखिएगा कि डॉर्सल बोन जो उसकी होती है डॉर्सल साइड की, ठीक है, पेल्विस की डॉर्सल साइड की बोन जिसको मीलियम कहते हैं, वो एक्सटेंड होती है, एंटीरियरली लंबी हो जाती है और इंटीरियर एंड के ऊपर वो सिक्योरली अटैच कर लेती है वर्टिब्रल कॉलम को। और इसके साथ यूरोस्टाइल, जो मैंने कल भी आपको बताया था, यूरोस्टाइल एक्सटेंड होता है पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। एंटीरियर साइड पे क्या थी आपके पास, इलियम, और पोस्टीरियर साइड पे क्या आपके पास, यूरोस्टाइल। अब यूरोस्टाइल अटैच होता है पेल्विस के साथ। अब ये जो स्केलेटल मॉडिफिकेशंस हैं ये स्टिफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती हैं पोस्टीरियर हाफ का, यानी जो आपके पास पेल्विक गर्डल है, जिसकी वजह से जो हाइंड लिम्स हैं और जो पावरफुल मसल्स हैं उनको एफिशिएंट लीवर या अटैचमेंट साइड मिल जाती है, जिसकी वजह से वो इजीली जंप कर सकते हैं, ठीक है। और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज जो साथ अटैच हैं वो भी आपके पास जो है बहुत ज़्यादा इसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं पेक्टोरल गर्डल को और स्कल को और वर्टिब्रल कॉलम को, कि वो शॉक एब्जॉर्ब कर सकें। जब लैंड में भागेंगे मूव करेंगे तो ज़रा शॉक भी तो लगेगा, पानी के अंदर तो सपोर्ट थी, यहाँ पे ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू भी मौजूद होगा और मसल्स भी मौजूद होंगे इन तमाम पेक्टोरल गर्डल के साथ, स्कल के साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ, जो कि इनको शॉक से प्रोटेक्ट करेंगे। तो बेटे अभी हम लोगों ने क्या देखा, पहले सेलेमेंडर्स के अंदर मूवमेंट देखी, अंडुलेटरी फिश लाइक मूवमेंट थी, ठीक है, कर्व लाइक थी, अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट हमने सिसेलियंस के अंदर देख ली थी, और हमने एन्यूरियंस के अंदर जंपिंग मूवमेंट देख ली थी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी फिगर की एलैबोरेशन ज़रूर बताऊंगी ताकि आप लोगों को ये इसका स्केलेटन समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, और ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो हैव अ लुक जी। तो बेटे यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्केलेटन ऑफ एम्फीबियन दिखाया गया है, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, मतलब तीन जो बातें हमने अभी डिस्कस की हैं तीनों फिगर में एलैबोरेट की गई हैं। पहला जो आप ए फिगर में देख सकते हैं, आपको सेलेमेंडर का जो है ना बॉडी दिखाई गई है स्केलेटन, और इसमें इसके चारों हिस्से फोर रीजन्स जो है ना कवर किए गए हैं, पहला सर्वाइकल, दूसरा ट्रंक, तीसरा सैक्रल और कॉडल। फिर बी फिगर में आप देख सकते हैं इंटरलॉकिंग प्रोसेसेस जो हैं, जाइगोफाइसेस जिनको बोलते हैं, जो कि ट्विस्टिंग ऑफ द वर्टिब्रा को रोकते हैं, ट्विस्ट होने से रोकते हैं, अपनी जगह पे होल्ड करके रखते हैं। एंड सी फिगर के अंदर आपको बेटे फ्रॉग स्केलेटन दिखाया गया है, जो कि जंपिंग के लिए एक मॉडिफाइड फॉर्म है और स्ट्रॉन्ग जनरल लीवर लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हाइंड लिम्स के लिए अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको वर्टिब्रल कॉलम, इलियम, ईस्टियम जो है ना वो सारी सेक्टरल वर्टिब्रा सारी दिखाई देंगी। तो पहले ए फिगर की तरफ आ जाते हैं बेटे। सबसे पहले आप सर्वाइकल रीजन देख लें, ये इसका बेटे सर्वाइकल रीजन है, देन ट्रंक रीजन, ये वाला इसका ट्रंक है, ठीक है, एंड देन सैक्रल रीजन आप इसका देख सकते हैं, ये सैक्रल रीजन हो गया, ठीक है, एंड देन दिस इज कॉर्डल रीजन। ये मैंने हाईलाइट कर दी है चीज़ें, तो आपने देख लिया सर्वाइकल, ट्रंक, सैक्रल एंड कॉर्डल रीजन। अब बी फिगर की तरफ आ जाएं, बी फिगर में आपको ये नज़र आ रही हैं लाइनें, ठीक है, ये दूसरे के साथ मर्ज होकर दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि इसको होल्ड करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, और ये क्या कहलाती हैं, जाइगोफाइसेस, ट्विस्ट होने से रोकती हैं, इनको प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, जाइगोफाइसेस। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ सी फिगर, जिसमें आप लोगों ने स्केलेटन स्टडी भी किया हुआ है फ्रॉग का, तो यहाँ पे जो जंपिंग के लिए लीवर प्रोवाइड होता है, ये आप अभी मॉडिफिकेशन में आपको दिखाती हूँ, ये आप देखें, ये जो आपके पास सेक्रल वर्टिब्रा है जो रेड कलर की मैंने शो की है, ठीक है, ये आपके पास मॉडिफाई होके अटैच हुई हुई है, इसके साथ कौन सी चीज़ अटैच हुई हुई है, इलियम बोन जो है ना मुस्तक अटैच हुई हुई है, ठीक है। अभी हमने डॉर्सल और एंटीरियर पोस्टीरियर साइड पे देखा कि इलियम जो है ना आपके पास ये अभी आपको इलियम नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, ठीक है, दोनों साइड से ये इलियम बोन हो गई। और यूरोस्टाइल जो है आपके पास वो आप ये देख सकते हैं, ये जो पर्पल कलर का मैंने हाईलाइट किया, दिस इज यूरोस्टाइल। तो इसकी वजह से आप देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, स्ट्रॉन्ग किस्म का फ्रेम बन गया है, ठीक है। और इसके साथ ये आप देखें हाइंड लिम्स अटैच हुई हुई है, जो कि इसको जंप के लिए हेल्प करेंगी, और ये सपोर्ट सिस्टम है और लीवर प्रोवाइड करेंगी, बेसिकली ये जंपिंग लीवर है इसका, ठीक है। दैट वाज ऑल बेटे, जिसमें आप लोगों ने तमाम स्केलेटन भी देख लिया है एम्फीबियंस का, तो आपको ये तमाम पार्ट, सर्वाइकल, ट्रंक, सैक्रल रीजन ये भी पता हो, और स्पेशली इसका पेल्विक गर्डल भी पता हो, ठीक है। इसमें यूरोस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इलियम और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट हम जो है ना इसका एवोल्यूशनरी जो प्रेशर्स हैं दोनों लैंड और वाटर के हवाले से, जो इसके सिस्टम्स के ऊपर हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर अटेंशन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।